स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ब्रेकफास्ट रेसिपी जो कि झटपट बनके तैयार हो जाती है। आज की रेसिपी है कांदा पोहा। आज आप जानेंगे कैसे आप आसान तरीके से पोहा को घर पे बना सकते हैं, तो आप इस रेसिपी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पोहा। कांदा पोहा रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है पोहा। मैंने यहाँ पे ये एक बाउल पोहा लिया है, ये लगभग 200 ग्राम के आसपास है। पोहा को बनाने के लिए सबसे पहले हम पोहा को एक बड़े साइज के बाउल में रख लेंगे। फिर हमें पोहा में मिलाना है पानी। पोहा में पानी मिलाने के बाद हम पोहा को 2 से 3 बार साफ पानी से धो लेंगे ताकि जो पोहा में सारे डस्ट है वो सारे निकल जाए। पोहा को धोने के बाद अब हमें पोहा को 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। ऐसे ही छोड़ने से जो पोहा है वो एक्स्ट्रा पानी सारा सोख कर लेगा। 5 से 7 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। हमारे पोहा को रखे हुए लगभग 5 से 7 मिनट के आसपास धो चुके हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से एक स्पून की सहायता से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, जो हमारा पोहा है वो काफ़ी अच्छे से खिल चुका है। अब हमें यहाँ पे मिलाना है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। फिर हमें यहाँ पे मिलाना है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर हमारा ऑप्शनल है। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलाना है थोड़ा सा नमक। ये 1/2 चम्मच के आसपास मैंने नमक मिलाया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकती हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मिलाएंगे 1 नींबू का रस। नींबू का रस मिलाने से पहले नींबू के अंदर के जो बीज हैं उन बीजों को हम हटा लेंगे, उसके बाद इसे हम मिलाएंगे। अब हम पोहा के साथ हल्दी, नमक और नींबू के रस को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से मिक्स करने से जो पोहा के ऊपर हल्दी, नमक और नींबू के रस की एक अच्छी सी लेयर आ जाएगी। तो हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे पोहा के साथ हल्दी, नमक और नींबू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमारा पोहा अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब हम इस पोहा को साइड में रख लेते हैं और पोहा को बनाना हम शुरू करेंगे। पोहा को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे मूंगफली को भूनना है। तो मूंगफली को भूनने के लिए हम एक पैन लेंगे और पैन में हम 1 छोटे चम्मच तेल को गर्म कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो गैस की फ्लेम को धीमी कर देंगे। फिर हमें यहाँ पे डालनी है कच्ची मूंगफली। मैंने यहाँ पे ये 1/2 बाउल मूंगफली ली है, ये लगभग 100 ग्राम के आसपास है। अब हमें यहाँ पे मूंगफली को भूनना है। मूंगफली को हम धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के आसपास तक भून लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे मूंगफली को बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो जो हमारी मूंगफली है वो थोड़ा सा नीचे से जलने लग जाएगी, इसलिए हमें यहाँ पे मूंगफली को चलाते रहना है। मूंगफली को मैंने यहाँ पे लगभग 4 मिनट के आसपास तक भून लिया है। मूंगफली जब भूनने लग जाती है तो इसमें से एक अच्छे से खुशबू आती है, साथ ही ये चटकने लग जाते हैं, या फिर आप चाहें तो मूंगफली को खा के चेक कर सकते हैं। तो अब हमारी ये मूंगफली भून के तैयार हो चुकी है। तो अब हम इस मूंगफली को एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे। तो तेल को अलग करते हुए मूंगफली को एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हमें यहाँ पे आलू को भी फ्राई कर लेना है। आलू को फ्राई करने के लिए अब हमें बचे हुए तेल में 1/2 चम्मच तेल और मिलाना है और तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हमें यहाँ पे डालने हैं आलू। मैंने यहाँ पे ये एक मीडियम साइज का आलू लिया है। आलू को आप पहले अच्छे से छील लें, छीलने के बाद इसे छोटे साइज के टुकड़ों में काट लें। काटने के बाद आलू को आप अच्छे से धो लें। इस तरीके से धोने से आलू के अंदर जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो सारा निकल जाएगा। अब हम आलू को भी फ्राई करेंगे। तो आलू को हम चलाते हुए 4 से 5 मिनट के आसपास तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, लेकिन आलू को भी हमें बीच बीच में चलाते रहना है। मैंने यहाँ पे आलू को लगभग 4 मिनट के आसपास तक फ्राई कर लिया है। आलू हमारे पक के तैयार हो चुके हैं। आप इस तरीके से प्रेस करके आलू को चेक कर सकते हैं। अगर आपके आलू नहीं पके हैं तो आलू को थोड़ी देर और पका सकते हैं। अब हम इन आलू के पीसेस को एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद हम पोहा को बनाना शुरू करेंगे। पोहा रेसिपी को बनाने के लिए अब हमें यहाँ पे बचे हुए तेल को एक बार फिर से गर्म कर लेना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो गैस की फ्लेम को धीमी कर देंगे। और फिर हमें यहाँ पे डालनी है ये 1 चम्मच काली सरसों। उसके बाद हम यहाँ पे मिलाएंगे ये 5 से 6 करी पत्ता। मैंने यहाँ पे सूखे हुए करी पत्ता का यूज किया है, आपके पास अगर फ्रेश है तो आप उसे मिला सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे मिलाना है प्याज, ये 1 मीडियम साइज का रफली चॉप किया हुआ प्याज मिलाया है। फिर हमें यहाँ पे मिलानी है ये 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब हमें यहाँ पे प्याज को भूनना है। तो प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के आसपास तक भून लेंगे।
ताकि जो हमारा प्याज है वो हल्का सा सेमी कुक हो जाए। लेकिन हमें यहाँ पे प्याज को थोड़ा सा बीच बीच में चलाते रहना है ताकि जो प्याज है एक समान पक के तैयार हो। मैंने यहाँ पे प्याज को लगभग 3 मिनट के आसपास तक भून लिया है। प्याज हमारा हल्का सा सेमी कुक हो चुका है। अब हमें यहाँ पे डालना है पोहा, पोहा जिसको कि हमने नमक, हल्दी और नींबू का रस मिला के पहले से तैयार करके रखा था। फिर मैं यहाँ पे मिलाने हैं फ्राई किए हुए आलू, जिसको कि हमने पहले से फ्राई करके रखा था। आप चाहें तो आलू के पीसेस को प्याज के साथ फ्राई कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलानी है मूंगफली, मूंगफली को मैंने यहाँ पे पहले से भून के रखा है। अब हम इस पोहा के साथ भुनी हुई मूंगफली और फ्राई किए हुए आलू को अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम 3 से 4 मिनट के आसपास तक पोहा को हम पका लेंगे, यानी फ्राई कर लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे इसे बीच बीच में चलाते रहना है। पोहा बेसिकली दो टाइप का आता है, एक आता है पतला बिल्कुल सॉफ्ट वाला पोहा आता है और दूसरा आता है थोड़ा सा हार्ड, ये थोड़ा सा मोटा होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप का पोहा लेना चाहते हैं। तो पोहा को हमें यहाँ पे बीच बीच में चलाते हुए पकाना है। मैंने यहाँ पे पोहा को लगभग 4 मिनट के आसपास तक फ्राई कर लिया है। पोहा हमारा लगभग बनके तैयार हो चुका है, तो हम इसे थोड़ी देर और मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे थोड़ी देर और मिक्स कर लिया है। ये हमारा पोहा अच्छे से बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और गैस को बंद करने के बाद फिर हमें यहाँ पे मिलाना है थोड़ा सा ताज़ा धनिया पत्ता, और धनिया पत्ता को हमें यहाँ पे बिल्कुल बारीक काट के मिलाना है। अब हम इस धनिया पत्ता को पोहा के साथ मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमारा पोहा है अच्छे से बनके तैयार हो चुका है। आप भी इसी तरीके से आसानी से इस पोहा को चाहे आप खुद के लिए तैयार करें या फिर आप अपने छोटे बच्चों के लिए इसे तैयार कर सकते हैं। आपको मेरा पोहा बनाने का तरीका कैसा लगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही फ्रेंड्स, रेसिपी अगर अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।